स्टूडेंट आपके क्लास नाइन्थ के एनुअल एग्ज़ाम या हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो भी होते हैं उन सब में अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ द स्कूल आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। मे बी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, रेशनलाइज करना है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ए की वैल्यू और वी की वैल्यू दी हुई है। आपसे कहा गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फाइव ए बी की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। मे बी माइनस टू ए भी हो सकता है, माइनस थ्री ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ जो बताया जाएगा उसके बेस पर ही आप यहाँ पर क्वेश्चन को और जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आप कर सकते हो। तो आइए क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चंस के लिए और मैथ में प्रैक्टिस करने के लिए एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दूसरा आप पेशेंस रखें। कोई भी क्वेश्चन आप करें बड़े पेशेंस के साथ करें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। जल्दीबाजी में काम खराब हो जाता है। पेशेंस से करेंगे आप एक एक चीज को करते जाएंगे और आपका कभी भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में है कि ए की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले बेटा हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि ए की वैल्यू को थोड़ा इजी कर लेंगे तो यहाँ पे रखना आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू। हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, यहाँ के साइन को चेंज करते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस अंडर रूट टू हो जाएगा और अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू हो जाएगा। जब आप यहां रेशनलाइज करो तो देखो दोनों नंबर सेम है, तो अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू ये होल स्क्वायर में हो जाएगा और यहां पर ये ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रह जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये अंडर रूट थ्री होल स्क्वायर हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं पहले, अंडर रूट टू होल स्क्वायर हो गया माइनस टू ए बी होगा तो टू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट टू हो जाएगा और इधर का थ्री हो जाएगा और माइनस में टू हो जाएगा तो ये थ्री हो गया प्लस यहाँ पर टू हो गया माइनस टू अंडर रूट सिक्स अपान वन और थ्री और टू फाइव, फाइव माइनस टू अंडर रूट सिक्स। जो हमारे ए की वैल्यू आई वो फाइव माइनस टू अंडर रूट सिक्स आके क्लियर हो गया। अब बेटा इसी तरह से आप बी की वैल्यू फाइंड करोगे तो अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू है, जब रेशनलाइज करेंगे तो यहां पर ये जाएगा अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू हो जाएगा और यहां पर सेम वही प्रोसेस अंडर रूट थ्री होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू होल स्क्वायर जैसा यहाँ किया वैसे यहाँ पर करना है, केवल ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो आप देखो अंडर रूट थ्री होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में अंडर रूट टू होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस टू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट टू हो जाएगा और अपान में यहां पर थ्री आ जाएगा माइनस टू हो जाएगा। यहां पर थ्री प्लस टू अंडर रूट सिक्स हो जाएगा और अपान में वन होगा, थ्री टू फाइव प्लस टू अंडर रूट सिक्स अपान वन, इट मीन्स क्या हो गया फाइव प्लस टू अंडर रूट सिक्स, ये आपका बी की वैल्यू आ गई। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फाइव ए बी, ठीक है ना, ये तो पूछा गया है। तो यहां पर ए की वैल्यू में ये आया नंबर, तो फाइव माइनस टू अंडर रूट सिक्स होल स्क्वायर कर दो और प्लस इधर आया है फाइव प्लस टू अंडर रूट सिक्स होल स्क्वायर माइनस में फाइव, ए पर हमारे पास 5 माइनस टू अंडर रूट सिक्स आया और बी पर हमारे पास 5 माइनस प्लस टू अंडर रूट सिक्स आया। वैल्यू को जो सब्स्टिट्यूट किया आपने, अब देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर फाइव होल स्क्वायर माइनस में क्या करोगे भाई, फाइव ए प्लस बी हो गया। अब आप समझे इसको कि यहां पर फाइव, इसको आप ए मान ले और इसको आप बी मान ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर इसको आप ओपन करें, कैसे ओपन करेंगे, यहां से फाइव होल स्क्वायर कर दीजिए बेटे, माइनस टू अंडर रूट सिक्स, सॉरी प्लस लगा लेते हैं, टू अंडर रूट सिक्स होल स्क्वायर माइनस टू इंटू फाइव, ठीक है ना, टू इंटू फाइव इंटू टू अंडर रूट सिक्स, ये हमने इसको ओपन करके दिया और प्लस के साइन में फाइव होल स्क्वायर, फिर यहां पर बेटा प्लस टू अंडर रूट सिक्स होल स्क्वायर प्लस टू इंटू फाइव और इंटू टू अंडर रूट सिक्स, क्लियर हो गया। माइनस के साइन में है ए स्क्वायर माइनस बी, तो फाइव कॉमन रख लीजिए, यहाँ पर फाइव होल स्क्वायर हो गया माइनस टू अंडर रूट सिक्स होल स्क्वायर में आएगा, क्लियर हो गया। देखो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, टू टू जा फोर, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, फाइव टू जा यहाँ पर टेन, टेन टू जा ट्वेंटी, ट्वेंटी अंडर रूट सिक्स हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपके पास क्या है, फाइव फोर ट्वेंटी फाइव हो गया और प्लस ट्वेंटी फोर और प्लस यहाँ पर ट्वेंटी अंडर रूट सिक्स हो गया, यहाँ से साइन आ गया। अब इसके लिए हमने क्या करा, माइनस फाइव यहाँ पे ट्वेंटी फाइव, टू टू जा फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर हो गया। अब देखो माइनस का है और ये कर गया, तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फिफ्टी हो गया और फिफ्टी और ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फोर फोर्टी एट हो गया और माइनस में कितना हो गया, फाइव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी फोर गया तो वन आ जाएगा और वन फाइव गया फाइव होगा। नेक्स्ट में करते हैं यहाँ पे नाइन्टी एट और माइनस फाइव अगर करें तो कितना हो जाएगा, एट से फाइव गया थ्री और नाइन, आपका जो फाइनल आंसर होगा जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 93 होगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन पर खूब प्रैक्टिस करें, पेशेंस के साथ करें और बार बार करें, और एग्जाम में सफल होने के लिए आप दो तीन सैंपल पेपर सॉल्व कर डालें, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी कैलकुलेशन की पावर बढ़ेगी और एग्जाम में आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसे कर लें, इसके बाद में दो क्वेश्चन और आपको बताऊंगा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसे आप पहले कॉपी करें। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको बताया गया कि आगे दो क्वेश्चन, वो दो क्वेश्चन ये हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आइए क्वेश्चन को देखें, एक्सप्रेस 1.999 इन द फॉर्म ऑफ PF1Q। बहुत सिंपल मेथड से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अगर हम इसको लेट करें, लेट x इज इक्वल टू 1.999, ठीक। अब देखो 9 तो रिपीट हो रहा है, अगर मैं ये कह दूं कि 9 डॉट डॉट हो 1.9 डॉट डॉट तब भी बात वही रहेगी। तो यहाँ पर आप क्या करो कि 10 की मल्टीप्लाई x से कर दो और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट कर लो, 1.999 है, इसमें भी आप 10 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा 19.999। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो जाएगा। अब क्या करिए, इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ पर 10x और ये 1919 होगा बेटा, 19.99 और यहाँ x इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, x इज इक्वल टू 1.999। अब देखिए ये तो कट जाएगा क्योंकि पॉइंट के पास सिंपल नंबर से सेम नंबर है, तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा, 19 से 1 जाएगा तो 18 आएगा और यहाँ पर ये हो गया 9x। देन x इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, x इज इक्वल टू 9 टू जा 8, 9 टू जा 8 है, यहाँ पर बात आई थी p अपॉन q की, तो 2 अपॉन 1 लिखा जा सकता है। आपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन पढ़ा होगा
कि पी अपान क्यू को किस फॉर्म में लिखा जाता है, क्या जीरो को लिखा जाता है, तो आपको बताया गया था कि जीरो अपान वन, जीरो अपान टू किया जा सकता है जहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको लिख सकते हो कि ये हमारा पी अपान क्यू के फॉर्म में है। इस क्वेश्चन के बाद आता है चेक वेदर पी प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी पावर हंड्रेड माइनस वन एंड पी पावर हंड्रेड प्लस वन। तो देखो p प्लस वन की वैल्यू को हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p माइनस वन हो जाएगा। बात आती है p पावर हंड्रेड माइनस वन की, तो मैं ये कह दूँ कि भाई p की पावर तो माइनस वन है, तो यहाँ पर आप इसको क्या रखो, हंड्रेड के फॉर्म में और माइनस वन। कोई भी नंबर नेगेटिव में हो उसकी पावर इवन नंबर हो तो प्लस हो जाता है, वन माइनस वन तो कितना हो गया जीरो, तो जीरो हो गया। अगर इस तरह से वैल्यूज पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू जीरो होती है तो जब जीरो आ जाए तो यस हो गया फैक्टर में। सेम प्रोसेस यहाँ पर है पी पावर हंड्रेड प्लस वन में, तो माइनस वन रख दो पावर हंड्रेड हो गए और प्लस वन, तो यहाँ पर ये वन होगा और यहाँ पर ये वन, वन और वन टू हो गया क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आया है, इसलिए p प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p पावर हंड्रेड प्लस वन, बट p प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ p पावर हंड्रेड माइनस वन। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।